के लवली के हत्यारों को फांसी जरासीम जर से खत्म हो जाए, फांसी होगी तो सबको राहत मिलेगी, सब लोग शांति से रहेंगे। 9 फरवरी को अमर थाना क्षेत्र के हरिपुर पंचायत के फकीर टोली गांव में समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी थी, जिसमें 5 वर्षीय लवली कुमारी के साथ 3 दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर उन नन्ही सी पड़ी को मौत की नींद सुला दी, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए वे स्थानीय लोगों ने फकीर टोली में एकजुट होकर संध्या कैंडल मार्च निकालकर कानून से आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की है। इन लोगों की इस दरिंदों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। 9 फरवरी को जो घटना हरिपुर पंचायत के फकीर टोली में घटी है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, ये रिश्तों को भी तार तार करने वाली है। जिन लोग इस घटना के आरोपी हैं, वो बच्ची के रिश्ते में चाचा लगते हैं और चाचा के रिश्ते को हमारे समाज में बाप का दर्जा हासिल है, वो रिश्ते को तार तार किए हैं। ऐसे दरिंदों की समाज में कोई जगह नहीं है, इंसानियत में कोई जगह नहीं है। पूरी समाज उसका बहिष्कार कर रहे हैं, समाज के सब लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। पूरी समाज उन दरिंदों की फांसी की मांग करते हैं। इन मांग के साथ वो इस समर्थन में कैंडल जुलूस बच्ची को एक तरह की श्रद्धांजलि के स्वरूप में निकाल के समर्पित कर रहे हैं। उस परिवार के साथ पूरे समाज की संवेदनाएं हैं, सबकी हमदर्दियां हैं, विधायक की, सांसद की, यहाँ के प्रशासन का भी हर मुमकिन सहयोग रहा। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, उन दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं और स्पीडी ट्रायल चला करके उनको न्याय दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और समाज से मैं यह आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह की दरिंदगी के खिलाफ, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लोगों के साथ हो, आप एकता के साथ इसके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल इन दरिंदों का मनोबल और बढ़ेगा। आप एक साथ एक आवाज में इनकी भर्सना कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में कभी इस तरह की घटना का दुस्साहस नहीं कर सके। सबसे पहली तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जात पात का कोई ये नहीं है, सब कोई इस मैटर में बहुत ही एक साथ होकर के हम लोग उसका इंसाफ के लिए सबको यहाँ भी आए हैं और इसके इसमें श्रद्धांजलि के लिए हम लोग कंटिन्यू। घटना बहुत निंदनीय घटना है, हमारे समाज के लिए ये प्रभाव है, ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो और जो भी तीनों दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात, जो यहाँ पे जितने भी गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी को आप सभी का धन्यवाद जो इतनी बड़ी भीड़ में यहाँ पे इकट्ठा हुए। देखिए, हम लोगों का संदेश साफ है कि जो भी इस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है हमारे गाँव में, तो हम लोग तो पीड़िता को, लवली को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगी हम लोग एक चुप नहीं बैठेंगे। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी मिले।